आईटीआर फाइलिंग का समय निकट आ रहा है, हम सभी को उसके बारे में अवगत होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और इसीलिए हम अपना खास सेगमेंट लेके आए हैं आपके लिए, फाइनेंस के फंडे। आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया अपनी आय, निवेश और खर्चों के विवरण को आयकर विभाग को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये सरकार को आपकी आय का सही आकलन करने में मदद करता है और आपकी आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने में आवश्यक दस्तावेजों का उपयोग करता है। प्रत्येक वर्ष जब भी भारत सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है तो उसमें आईटीआर भरने के नियमों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है जिनका विशेष ध्यान रखना होता है। आईटीआर फाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ITR4 के बारे में। तो दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए कि ITR4 आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप जैसे इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, अपने पैन नंबर से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो उसमें फाइल नाउ पे क्लिक करके आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। तो जैसे आप ITR फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें पूछेगा कि ITR फॉर्म कौन सा हमारा। जैसे हम ITR4 सेलेक्ट करेंगे तो उसमें उसमें स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपकी 50 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर है वो भी इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, अदर सोर्स की इनकम है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप 44AD में, 44ADA में या 44AE में फाइल कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, उस बेसिस पे हम लोग जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा कि आप इंडिविजुअल HF या जो भी हैं आप, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करके जैसे कंफर्म करेंगे तो वो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करेगा। तो जैसे आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी ऑटो रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका पैन नंबर, मोबाइल पैन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब आ जाएगा, और आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह ये सब आ जाएगा। और फिर आपसे वो पूछेगा कि कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारा सेक्शन 139(1) है। अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 139(1) पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 139(4) भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा तो 139(1) के केस में हम फाइल कर रहे हैं तो हम 139(1) पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सबसे सवाल पूछेगा कि आप जो है न्यू रिज्यूम ऑप्ट करना चाहते हैं या ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जैसे न्यू रिज्यूम पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो बैंक डिटेल पूछेगा, जो भी हमारे बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर हमने ओपन करे हैं वो उसमें इन्फॉर्मेशन उसकी हमको पंच करनी है, आपका IFSC कोड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जैसे उसमें हम डाल देंगे उसको कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे आप कन्फर्म करेंगे, नेक्स्ट ये हमारी पर्सनल डिटेल पूरी हो चुकी है, और उसके बाद भी वो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात करेगा। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम डालेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि हमारी टर्नओवर उसमें हमको मेंशन करनी है, हमारी 2 करोड़ से कम टर्नओवर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बजट 2023 में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आया था, वो भी आपको डिस्कस करता हूँ। उसमें ये नोटिफिकेशन था कि अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ है और 3 करोड़ से इंपॉर्टेंटली 95% आपकी डिजिटल बेसिस पे आपकी इनकम आती है, मतलब बैंक में रिसीव होती है, तो भी आप 3 करोड़ के में टर्नओवर होते हुए भी 44AD में आ सकते हैं और ITR4 फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी इसमें टर्नओवर डालते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट डालना है, जो कि प्रॉफिट आपका 8% से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर गलती से वो फाइल भी हो गया तो हो सकता है आपको रिवर्ट बैक डिपार्टमेंट से आ जाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना प्रॉफिट बना ले पहले से, और अपना एक बैलेंस शीट प्रॉफिट बना ले। हालांकि इसमें जिसे कहते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप बना लेंगे तो एक सहूलियत रहती है। तो जैसे ही आप अपने टर्नओवर पंच करेंगे और अपना प्रॉफिट डालेंगे तो आपकी वो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम दिखा देगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है तो आप उसमें सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, अदर सोर्स की इनकम है आपकी जैसे बैंक इंटरेस्ट वगैरह तो आप उसमें वो भी दिखा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको टैब को ओके करेंगे तो नेक्स्ट टैब में वो टोटल डिडक्शंस पूछेगा। हालांकि डिडक्शंस न्यू रिज्यूम में कोई भी अवेलेबल नहीं है तो वो 0 ही रहने वाली है। और जैसे ही हम नेक्स्ट टैब में आएंगे तो हमारे जो TDS हमारे डिडक्ट हो रखे हैं, टैक्स डिडक्शन जो हमारे हो रखे हैं, हम लोग उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओके कर सकते हैं। जो भी उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आए हैं 26A से उसको वेरीफाई जरूर करना है हमें, और हमारा जो AIS TIS है उसे ज़रूर वेरीफाई करना है। तो जो भी हमारी TDS की इन्फॉर्मेशन है हम उसको उसमें वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर उसमें नहीं है तो हम उसको ऐड करके उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे हम उसमें इन्फॉर्मेशन पंच कर देंगे, उसको हम करेक्टली डाल के कन्फर्म कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो दिखाएगा कि हमारा टैक्स देना बन रहा है और या गवर्नमेंट से लेना बन रहा है। तो अगर हमारा रिफंड लेना बन रहा है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बैंक अकाउंट जो है प्रॉपरली उसमें एंटर्ड होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट हमारा वैलिडेटेड होना चाहिए जिसमें हमारा रिफंड आए। और अगर हमारा रिफंड नहीं बन रहा है, हमारा टैक्स देना बन रहा है, तो हमको सेम
वेबसाइट में जाके हमको ई पे टैक्स पे क्लिक करके हम अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे को उसमें अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल के जैसे हम डालेंगे, इंपॉर्टेंट उसमें ये कि हम असेसमेंट ईयर बिल्कुल सही सेलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर इस साल के लिए 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का 300 कोड हम सेलेक्ट करेंगे और अपने इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा टैक्स पे बन रहा है हमारा उसका अमाउंट डाल के हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको इनकम टैक्स पे करने के मोड पता लग जाएंगे कि आप उसको नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, आपको UPI से या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। वैसे मोस्ट पॉपुलर जो तरीका है नेट बैंकिंग है। जैसे आप नेट बैंकिंग से पे करते हैं तो आपको इंस्टेंट बेसिस पे चालान मिल जाता है। तो लाइक जैसे हमने जैसे ही चालान पे करा हमको चालान मिल गया हमें PDF फॉर्म में, और हम लोग जैसे ही हम फॉर्म पे वापस आए तो उसमें हमको सेल्फ असेसमेंट के टाइम में वो चालान की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो चालान में कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक BSR कोड होता है, चालान सीरियल नंबर होता है और डेट होता है और अमाउंट होता है। वो करेक्टली फिल करने के बाद जैसे हम अपने फॉर्म में फिल कर देते हैं तो हमारा फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है, और जैसे हम लोग उसमें फर्दर आगे कन्फर्म करेंगे तो वो प्रीव्यू दिखा देगा हमें कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें पंच करी है, जो भी इनकम उसमें हमने रिपोर्ट करी है वो प्रॉपरली रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई है, या हमारे जो टैक्स डिडक्शंस हैं उनके टैन नंबर प्रॉपरली उसमें आ रहे हैं, कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है या कुछ हमें क्लरिकल एरर तो नहीं हो गया, वो हम उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जैसे हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो फाइलिंग का ऑप्शन हमारा उसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग उस पर फाइल पर क्लिक करेंगे तो हम लोग उसमें ऑप्शंस दिखा देगा कि आप इसको आधार OTP से भी फाइल कर सकते हैं, या उसको अगर आप अभी वेरीफाई नहीं करना चाह रहे तो आप उसको लेटर भी करके फाइल कर सकते हैं। और लेटर करने के बाद 30 डेज का समय दिया जाता है कि 30 डेज के अंदर आप आइदर आप इसको या तो ई वेरीफाई कर दीजिए या आप इसको साइन करके इसका एक्नॉलेजमेंट बैंगलोर आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। जैसे आप स्पीड पोस्ट से भेज देंगे और वो वहाँ रिसीव हो जाएगा तो आपका ITR प्रोसेस ये कम्प्लीट हो जाएगा। अब जैसे ITR प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसमें फिर आपको अपने बस एक्नॉलेजमेंट और रिकॉर्ड्स आपको इंपॉर्टेंटली संभाल के रखने पड़ेंगे। हालांकि इसमें जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये फिर भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने संभाल के रखनी पड़ेगी ताकि आप अगर कुछ रिकॉर्ड कभी डिपार्टमेंट मांगता है आपसे तो आपके पास अवेलेबल हों।